हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नरेशन में हम लोग कल पढ़ रहे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच अगर एक्सक्लेमेटरी हुआ तो कैसे इसको चेंज करेंगे। नरेशन लगभग आपका खत्म आपके लेवल तक, जहाँ तक आपको पढ़ना चाहिए हाई स्कूल में। आज से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया वाक्य किस प्रकार का, असर्टिव है कि इंटरोगेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि इंपरेटिव है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसको हम चेंज करेंगे। एक्सरसाइज पहला शुरू करते हैं। इसमें मोहन से कृष्णा आई सर मोहन से, मोहन ने कहा कृष्णा आई शैल नेवर बिट्रे यू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। बिट्रे मीन्स क्या होता है, धोखा देना। अब इसको हमको चेंज करना है, तो प्रोसेस मैंने बताया था कि जब किसी भी वाक्य को इंडेड में चेंज करेंगे तो पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। वाक्य है आपका कृष्णा आई शैल नेवर बिट्रे यू, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ से ये वाक्य आपका असर्टिव है। अब दूसरा नियम हम क्या देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कृष्णा को एड्रेस किया गया है। किससे कह रहा है मोहन, कृष्णा से। तो नियम क्या है, नियम है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में किसी को एड्रेस किया गया हो तो हम इंडायरेक्ट बनाते समय उसे रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू कृष्णा। तो चूंकि वाक्य असर्टिव है तो सेड टू को हम किस में डाल लेंगे, ऑब्जेक्ट होने के बाद टोल्ड में, तो जाएगा मोहन टोल्ड कृष्णा, मोहन टोल्ड कृष्णा। फिर टोल्ड कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे आपने मान लिया, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रख दिया, तो क्या कृष्णा, तो सेड टू को हम टोल्ड में डाल देंगे ऑब्जेक्ट होने पर, और कृष्णा को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। फिर यहाँ से शुरू होगा, तो काम और काम हटाएंगे, किसका प्रयोग कर देंगे, दैट, मोहन टोल्ड कृष्णा दैट। अब आई को चेंज करेंगे, एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज करेंगे, मोहन से भी क्या होगा ही। अब टेंस में परिवर्तन करेंगे, सर को शुड में बदलते हैं, लेकिन आई और बी के साथ सर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे है ही के साथ विल का प्रयोग होगा, तो विल को किस में बदल देंगे, वुड में, नेवर बिट्रे यू। अब ये सेकंड पर्सन का है, आसानी से हम चेंज कर लेंगे, यू सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है कृष्णा, ये आपका सेकंड थर्ड पर्सन है, तो यू को जब हम चेंज करेंगे थर्ड पर्सन, तो इसके लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लग जाएगा ही, और यू ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी से Can't come up. I have not worked hard to get good marks. She said, okay, I have not worked hard to get good marks. मैंने अच्छा नंबर लाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की है। तो वाक्य सर्टिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो नियम क्या है, जब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगा, देर इज नो ऑब्जेक्ट, तो देर विल बी नो चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसको उसी तरीके से रखेंगे। सी से कंजंक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज करेंगे सी से, तो यहाँ भी नाउन प्रोनाउन के रूप में ही आएगा। अब टेंस देखेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट इसके नेगेटिव चेंज कर देंगे तो हैड नॉट हो जाएगा, वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय
सेंड टू द बॉय कम्युनिटी कमा हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क टुडे, है ना। द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने लड़के से कहा, Have you not completed your work today? क्या तुमने आज अपना काम पूरा नहीं किया है? वाक्य क्या है? इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं। वाक्य इंट्रोगेटिव है। जैसे ही रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्क को किसमें बदलेंगे? आस्क या इंक्वायर्ड आस्क में। तो पहला काम करेंगे, द टीचर आस्क द बॉय, यहाँ तक हम लोग आ गए। फिर हम देखेंगे कामा और इंट कामा टाइगर की रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है कि सहायक क्रिया से शुरू है। ये प्रश्नवाचक शब्द से न शुरू होकर सहायक क्रिया से शुरू है। जब रिपोर्टेड स्पीच किसी सहायक क्रिया से शुरू होगा, किसी हेल्पिंग वर्ब से, तो हम कंडेंसेशन के रूप में इफ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। हाँ, दोनों से हम कोई एक रख देंगे, इफ या वेदर का उपयोग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक वाक्य को हम साधारण वाक्य में बदल देंगे, मतलब सब्जेक्ट रखेंगे। यू सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा क्योंकि प्रोनाउन है। तो बॉय है, इसके लिए प्रोनाउन लेंगे तो क्या आएगा? ही। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसको भी नेगेटिव में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस है, नॉट कंप्लीटेड। यू का पोजीशन किसी और ऐसे समझें, या तो यू को फिर चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट क्या है? बॉय होगा। ही ये पोजीशन किस में है? ही का पोजीशन किस क्या होगा? हिज। हिज वर्क टुडे, टुडे दिया है तो टुडे को किस में डालेंगे? दैट में। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट, सविता सेड टू हरी, हिज is it not surprised to see you, surprised to see you here today, is it not? Savita said to Hari, Savita ne Hari se kaha, is it not surprised, is not it, इज इट नॉट सरप्राइज टू सी यू हियर टुडे, क्या तुमको यहाँ पे आज देखना आश्चर्य की बात नहीं है? वाक्य इंट्रोगेटिव, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करेंगे तो जाएगा सरिता आस्क्ड हरी। वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है तो काम ऑर्डर के लिए विद्रम में इसको एक प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? इट। थर्ड पर्सन हो चेंज। अब टेंस की बात करेंगे, इसको उसमें बदल देंगे वाज में। निगेटिव सेंटेंस नॉट का प्रयोग करेंगे, surprise to see, सारी चीजें उसी तरीके से रखेंगे। यू, यू आ गया सेकेंड पर्सन का, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट क्या? हरी। इसके लिए प्रोनाउन लेंगे तो आएगा ही, ये ऑब्जेक्ट किस में है? तो ही का ऑब्जेक्ट किस क्या होगा? हिम। हियर, हियर किस में बदल देंगे? देयर। टुडे दिया है, टुडे किस में बदल देंगे? दैट डे। हाँ, तो इस तरीके से हो जाएगा, सरिता आस्क्ड हरी इफ इट वॉज नॉट सरप्राइज टू सी हिम देयर टुडे। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, फादर सेड टू मी वेयर डू यू लाइक टू गो इन समर वेकेशन, फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा, वेयर डू यू लाइक टू गो इन समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में तुम कहाँ जाना पसंद करती हो? वाक्य इंट्रोगेटिव, सबसे पहले चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, फादर आस्क्ड मी। फिर कामटा कर्म देख लें, बाकी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो कंडीशन के रूप में उसी का प्रयोग कर देंगे। अब प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण में बदल देंगे।
यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, मी से देखिए हमारे यहाँ पे आई। टेंस देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको पास्ट में चेंज कर देंगे तो क्रिया सेकंड फॉर्म में चलाएंगे, लाइक दिस टू गो इन और सारी चीजें उसी तरीके से रख देंगे। समर वेकेशन ऑन द लास्ट में वेयर आई लाइक यू टू गो इन समर वेकेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सेड कम कम लेट अस लीव द कार एट द स्टेशन। सी सेड वो कहीं लेट अस लीव द कार एट द स्टेशन, हम लोग कार को स्टेशन पर ही छोड़ दें। वाक्य लेट अस से शुरू है, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट अस नियम आपने लिखा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटर से शुरू होगा तो ऐसे वाक्यों से प्रस्ताव या सुझाव व्यक्त होता है, तो क्या करेंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। पहला काम करेंगे सी सजेस्टेड, ठीक। फिर क्या करेंगे इस लेटर के स्थान हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक दैट दे शुड और दैट वी शुड। दैट दे शुड कब होगा जब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होंगे तब तो हम दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में इसको ये फर्स्ट पर्सन का होगा तब हम दैट वी शुड का प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं कि केवल एक ही है थर्ड पर्सन, इसलिए हम दैट दे शुड का प्रयोग करेंगे, दैट दे शुड, और जहाँ से क्रिया शुरू हुई उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। अगर प्रोनाउन आता है तो परिवर्तन करते, कहीं प्रोनाउन नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कार एंड द स्टेशन, ठीक। नेक्स्ट द हर्मिट सेड कमेंटेड कमा Never speak ill of anyone. Never speak ill of anyone. ठीक। साधु ने कहा Never speak ill of anyone, मतलब किसी के बारे में कभी भी बुरा मत बोलो। Never speak ill, कभी बुरा मत बोलो। किसके बारे में? Anyone, किसी के बारे में। हाँ, तो वाक्य किसी क्या प्रकट हो रहा है? सलाह प्रकट हो रहा है। क्या करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज में। हाँ, एडवाइज में चेंज कर देंगे। द हर्मिट एडवाइज, अब चूंकि क्या करेंगे नेवर दिया है तो नेवर का हम प्रयोग करने पर टू लगा देंगे क्रिया से पहले, नेवर टू स्पीक इल ऑफ इस तरीके से। अगर नेवर नहीं दिया रहता डू नॉट ईयर, डू नॉट को हम नॉट टू में बदल देते, लेकिन जब नेवर दिया रहता है तो नेवर को रखते हैं, फिर इसके बाद आएंगे क्रिया को इन्फिनिटी बदल देते हैं। इन्फिनिटी क्या होता है? जब हम किसी भी वर्ग के फर्स्ट पास पहले क्या लगा देते हैं? टू, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसे इन्फिनिटी कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल जैसे टू मी कमेंट कम वेट हियर टिल वी रिटर्न, वेट हियर टिल वी रिटर्न, है ना। वेट हियर जैसे मुझसे कहें, क्या कहें? वेट हियर, यहाँ पे इंतजार करिए टिल वी रिटर्न, हम लोगों के लौटने तक। टिल का मतलब क्या होता है? तक। हम लोगों के लौटने तक यहाँ पे इंतजार करिए। वाक्य से क्या प्रकट हो रहा है? सलाह का भाव प्रकट हो रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइज में चेंज कर देंगे तो जाएगा दे एडवाइज्ड मी। अभी क्रिया दी गई है, इस क्रिया को इन्फिनिटिव बदल देंगे तो टू वेट हो जाएगा, टू वेट हियर, हियर को किस बदल देंगे? देयर। टिल का प्रयोग उसी तरीके से कर देंगे, फिर भी एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है
चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है, दे एक प्लूरल है और ए भी नॉमिनेटिव केस में, ए भी नॉमिनेटिव केस में है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा दे। अब इसके बाद देखेंगे टेंस, देखेंगे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलेंगे तो क्रिया किस फॉर्म में आती है, सेकंड फॉर्म में, ठीक, तो हो जाएगा दे एडवाइस मी टू वेट, वेट है आपका टू वेट दे या टिल दे रिटर्न। ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट इन डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, सारा एग्जांपल है आपका, कई तरीके से एग्जांपल मैंने समझा दिया। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी प्रकार का डिस्कशन कर सकते हैं, और कल से हम टेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग फिर इसके बाद टेक्स्ट बुक। ओके ओके, थैंक यू।